सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ हम स्वास्थ्य विषय समस्याओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, वहीं पर हमारे जो समसामयिक विषय होते हैं, प्रासंगिक विषय होते हैं, उस पर भी हम संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। पूरे विश्व में हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंद्रभाई सोजेते जी का आग्रह था कि इस दिन पर क्यों न हम इनके प्रतिनिधि युवा वर्ग को शामिल करें और उन्हें आमंत्रित करें। तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हम जिन विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पहले मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्क्रीन पर है कुमारी पंखुड़ी जी अग्रवाल। पंखुड़ी जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पंखुड़ी जी ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती से अपनी शिक्षा हासिल की है और उसके बाद में पूना में वह कार्यरत हैं। साथ ही हमारे साथ स्क्रीन पर है परिमल जी दानखड़े। परिमल जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। परिमल जी ने हाल ही में अपने SSC 10वीं की परीक्षा काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है और शहर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ बालक चिकित्सक डॉक्टर संदीप जी दानखड़े और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जी दानखड़े के सुपुत्र हैं। विषय की उम्र हैं पंखुड़ जी, चूंकि आप IT कंप्यूटर क्षेत्र से संबंध रखती हैं और आपने कोरोना लॉकडाउन को काफी निकटता से देखा है, तो लॉकडाउन के पहले का पीरियड और अभी में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मैं पंखुड़ी अग्रवाल, जैसे आपने बताया, मैं पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। तो लॉकडाउन के पहले हम फिजिकली ऑफिस में जाते थे, ऑफिस में काम करते थे। मैं पुणे में रहती थी, बट जैसे लॉकडाउन घोषित हुआ था कि पूरा अपना इंडिया लॉकडाउन होने वाला है, वैसे ही मैं मेरे घर आई हूँ एंड घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो पहले ऑफिस से काम करते थे और अभी घर से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं यही मानती हूँ कि पहले कलीग्स लोगों के साथ, मैनेजर्स के साथ ऑफिस में बैठ के हम काम करते थे, फ्लैट पे फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं रहती थी। अब डिफरेंस ये हुआ है कि अब मैं फैमिली के साथ घर पे रह रही हूँ, साथ ही साथ ऑफिस का भी काम कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। परिमल जी, चूंकि लॉकडाउन पीरियड में आपकी परीक्षा घोषित हुई थी, उस समय चल रही थी, तो आपने भी काफी फर्क महसूस किया होगा, आपको क्या लगा? जी सर, मेरी 10th की एग्जाम चालू थी और इमीडिएटली हमें नोटिफिकेशन आया काउंसिल की तरफ से कि हमारी जो बची हुई एग्जाम है वो कैंसिल हो चुकी है। हम जैसे मूवीज में देखते हैं कि कोई हीरो को एकदम खजाना वगैरह मिल गया और उसकी लाइफ एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाती है, उसी तरह का चेंज थोड़ा सा हमारे लाइफ में आया। तो फिर सबसे इफेक्ट्स उसके अच्छे भी हुए कुछ और कुछ बुरे भी हुए। जैसे कि हम बच्चों लोगों का सबसे बड़ा एक दुख था कि हमारा फेयरवेल कैंसिल हो गया। फिर जो बचे हुए पेपर्स थे वो कैंसिल हो चुके थे, कब होंगे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। हमारा अभी 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला था, उसकी आने वाली पढ़ाई थी, जो बचे हुए पेपर्स है उनकी पढ़ाई थी, वो सब कैसे मैनेज करेंगे, कब मैनेज करेंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर जब न्यूज़पेपर्स में ये सब कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में पढ़ते थे, तो एक अलग सा स्ट्रेस आता था कि कहीं हमें कोरोना हो गया तो, या फिर हम कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ हो सकता है। तो फिर जो भी दोस्त लोग थे, हमारा मिलना बंद हो गया, तो फिर उनके सब साथ में जो हमारी कंपनी में सब कुछ जो, फिर हमारा जो शेड्यूल था वो थोड़ा चेंज हो गया। हमारा लॉकडाउन के पहले हमारा सब ऐसे फिक्स टाइम हुआ करता था कि अभी स्कूल उठ के सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद क्लासेस को जाना है, ऐसा जो भी हमारा शेड्यूल था, अभी ऐसे कुछ शेड्यूल नहीं रहा। बट इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हमारी जो ड्यूटीज है हमारे घर की तरफ, हमारे जो पेरेंट्स है उनके तरफ, जैसे कि हम सब उठते थे, नल खोलते थे, पानी आ जाता था, पर ये पानी कहाँ से आ रहा है? सुबह दादाजी उठ के जाके मोटर ऑन करते थे पानी आने के लिए, ये सब कोई पता ही नहीं था। बट अभी लॉकडाउन के कारण ये सारी चीजें सीखने को मिली और अब पूरा वर्क कैसे होता है घर में जो जिम्मेदारियां होती है उन सब के बारे में हमें पता चला। फिर
कम्युनिकेशन कैसा लगा आपको कि भाई जैसे इतने दिनों में हम पढ़ाई में लगे थे, रोज स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, तो इस बीच में जनरली ऐसा होता कि अपने पेरेंट्स और बाकी घर वालों के साथ में बातचीत कम्युनिकेशन नहीं होता है, इस विषय में आपको क्या चेंज महसूस हुआ? जी पहले कैसे रहता था कि हम पूरे हमारे शेड्यूल में बिजी हुआ करते थे, सुबह 6:30 बजे निकलते थे, डायरेक्ट शाम को 7 बजे 7:30 बजे घर लौटते थे। मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, तो फिर वो दोनों अपने हॉस्पिटल में ओपीडी में बिजी रहा करते थे, तो जितना टाइम उनके साथ मिलना चाहिए था उनसे नहीं मिला करता था। रात को पापा या मम्मी लेट आते थे घर पे, तब तक हम सो जाया करते थे, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बट अभी लॉकडाउन में इतना टाइम है हमारे पास कि हम पूरा टाइम फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, वो शेयर करते हैं, तो इस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ फैमिली के साथ। तो जहाँ एक और ये हुआ कि घर घर के काम कैसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी आई है, पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन हुआ है, वहीं पर अपना फ्रेंड्स उनके साथ को मिस कर रहे हैं कि उनके साथ में जो हमारी शेयरिंग होती थी वो फिजिकली नहीं हो पा रही है। तो इसमें कुछ फर्क लगता है कि जैसे हम लोग मोबाइल पे या बाकी साधनों से उससे बात करो, फिजिकली बात करते, दोनों कुछ फर्क महसूस करते हैं? हाँ, एक्चुअली लाइफ है सिर्फ 3 लोगों पे बेस्ड है, एक तो हमारे पेरेंट्स, एक टीचर्स और तीसरा है हमारे फ्रेंड्स। टीचर्स से तो हमारा कनेक्शन अच्छा रहता ही है, पेरेंट्स के साथ हम ऑलमोस्ट रहते ही है, जो फ्रेंड्स रहते हैं इनका भी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब भी लॉकडाउन नहीं हुआ करता था हम सारे फ्रेंड्स साथ में मिलके रहते थे, फिर पढ़ाई की बातें हुआ करती थी, मस्ती करते थे, कहीं घूमने जाते थे, बट अभी लॉकडाउन के कारण उनसे मिलना या फिर कहीं बाहर जाना ये सब बंद हो चुका है। फोन पे बात कर लेंगे बट जो इंटरेक्शन मिलता है फ्रेंड्स के साथ वो फोन पे नहीं मिलता है। उनके साथ हमारी चीजें शेयर करना, खास करके जो हम लंच टाइम में टिफिन वगैरह खाते थे साथ में, वो सब बहुत मिस करते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिजिकल प्रेजेंस भी उतना जरूरी जितना हम लोग इतना साइकोलॉजिकल सोशल प्रेजेंस महसूस करें, फिजिकल भी उतना ही महत्वपूर्ण। हाँ जी पंखुड़ी जी, अब ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर हम घर आके काम कर पा रहे हैं जो हम ऑफिस में करते थे, वर्क फ्रॉम होम में आपका कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, आप खुद क्या महसूस करती हैं? मैं जैसे कंपनी में काम करती हूँ तो मैं फायदे बताना चाहूंगी कि पहले जो एक काम बहुत सीमित समय में हो जाया करता था, बाजू में बैठा हुआ इंसान कर दिया करता था, अब उसी चीज को टाइम लग रहा है तो इश्यूज हो रहे हैं। फिर और उसके फायदे में बताना चाहूंगी कि पहले एक रूटीन रहता था कि सुबह उठना है, उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर करके जाना है कंपनी में, वहाँ पे काम करना है, फिर वापस आना है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कितने सालों बाद मैं अपने फैमिली के साथ एक लंबे टाइम तक घर पे रह पाऊंगी। पहले मैं तो बस 2-3 दिन के लिए घर आया करते थे, वो भी जनरली फेस्टिवल्स पे, बट इस बार बट धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम के जैसे फायदे मिले वैसे थोड़ा थोड़ा नुकसान भी मुझे लगने लगा कि जब भी काम हम ऑफिस का करते थोड़ा फैमिली डिस्ट्रैक्शन होता ही है। जैसे मैं अपने भैया भाभी माता पिता के साथ रहती हूँ तो कभी कुछ ना कुछ आता ही है, जैसे भी राखी का त्योहार आके गया, उस दिन अगर पुणे में रहती थी तो इतना शोर शराबा नहीं रहता था, बट अभी घर पे हूँ तो सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ती है। मम्मी पापा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑफिस के साथ आप घर का भी काम कीजिए, तो जो बैलेंस रहता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का वो थोड़ा मेंटेन करना अभी मुश्किल लग रहा है। बट मैं चाहूंगी कि हर चीज के जैसे फायदे नुकसान रहते हैं, जैसे ये समय भी बहुत अच्छे से बीतेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। निश्चित तौर से। अच्छा, राखी के दिन आपको अपने काम से छुट्टी थी या काम चालू था? नहीं, ऑफिस से तो छुट्टी नहीं थी बट मैंने खुद ने ली थी छुट्टी, तो मैं फिर उस दिन मैं अपना पूरा टाइम अपने घर वालों के साथ बिता सकी। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है खासकर लड़कियों के महिलाओं के लिए, तो एक पर्याप्त जो जगह चाहिए प्राइवेसी की वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, और लड़कों की वजह लड़कियों पर घर की जिम्मेदारी भी आई है जो शायद पुणे में नहीं होती थी, तो एक ये अड़चन एक ज्यादा आ रही होगी। फिर भी हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, साथ ही पालकों का करते हैं कि उन्होंने अपनी कन्या को इतना उच्च शिक्षित बनाया है, इतनी अच्छी जगह पर उन्होंने भेजा है, और आपका अभिनंदन कि आप उनके जो विश्वास उन्होंने अपने अंदर दर्शाया उसका पूरी तरह से निर्वाह कर रही हैं।
परिमल जी, क्योंकि मैंने आईएमए के स्टेज पर आपको बहुत ही अच्छा सोलो डांस करते देखा था, तो इससे आपकी प्रतिभा पता चलती है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इस प्रतिभा का उपयोग या इसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जी सर, डांसिंग जैसे कि मेरी एक हॉबी है, और ये जो लॉकडाउन का फ्री टाइम है इसमें हॉबीज इनकलकेट करना और फिर जो हमारा हॉबीज है उनको बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो ऐसे में लॉकडाउन के पहले हम सब कोरियोग्राफर्स के यहाँ जाके डांस सेट करके या फिर प्रैक्टिस करते थे, बट अभी लॉकडाउन में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिसके कारण जो एक हमारा एक रिक्रिएशन हुआ करता था वो अभी उस तरह से नहीं हो रहा है। फिर भी मनोरंजन के लिए घर पे थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं, बट उस तरह का माहौल नहीं मिलता है जो सबके साथ मिलता था। मेरा प्रश्न इसलिए जरूरी है कि आप एक बहुत मेधावी होशियार छात्र हैं, जहाँ पर और हमारे घर में समाज में अक्सर सिर्फ पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, तो पढ़ाई के साथ इस जो नृत्य है, डांस है, इसको आप कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं? जी सर, मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट साथ में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस। अगर इन दो चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी ही रहने वाली है। तो फिर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, इन दोनों पे डांस करना या फिर कोई भी हॉबी का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि लॉकडाउन में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम बाहर जाके वॉक करें, रनिंग करें या फिर कोई जिम में जाए, तो डांस के थ्रू ये फिजिकल फिटनेस हमारी एक्सरसाइज वो हो जाएंगी और फिर जो भी हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा, जो भी तनाव रहता है, जैसे कि हम सुनते हैं कि इतने पेशेंट आज निकले हैं हमारे सिटी में, एरिया में, तो फिर वो एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो एक अच्छा, वी कैन से दैट इट इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर। यहाँ से आपका तनाव कम होता है, वहीं पे आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। और मित्रों, ये बताते हैं बहुत हर्ष होता है कि संयोग से हमारे साथ पंखुड़ी जी हैं, और पंखुड़ी जी जितनी मेधावी छात्रा थी, हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी, उतनी ही उत्कृष्ट डांसर बचपन से है। मोहनलाल सामरा हो या भवरीलाल सामरा, जहाँ से इनको स्कूल की शिक्षा हासिल की है, या समाज का कोई प्रोग्राम हो, इनका ग्रुप छोड़कर अकेला सोलो डांस रखा जाता था, इतनी अच्छी डांसर है। पंखुड़ी जी, ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, और प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे मैंने परिमल जी से पूछा था कि हमारे अक्सर से पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, तो पढ़ाई के साथ डांस पर ये कितना उपयुक्त है, ये आप अपने अनुभव से बताइए। जैसे परिमल जी ने बताया, मैं वही पॉइंट्स को थोड़ा आगे बताना चाहूंगी कि हर इंसान के जीवन में एक हॉबी होना चाहिए। मुझे बचपन से डांस पसंद था, तो मैंने डांस को मेरी हॉबी बनाई है। डांस करने से एक पॉजिटिविटी आती है, जो दिन भर का तनाव रहता है, भले आप काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तो जो तनाव रहता है वो कम होता है। आप खुश रहते हो तो आपके आसपास वाले लोग भी खुश रहते हैं। तो अभी मुझे एक छोटा सा नेफ्यू है 1 ईयर का, मैं और वो, हम दोनों बहुत डांस करते हैं, वो भी खुश होता है और मैं भी खुश होती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि एक हॉबी होना ज़रूरी है। जैसे अभी मेरे केस में डांस है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अभी जैसे परिमल जी ने बताया कि कोरोना वायरस के वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, तो घर में अगर आप 5 से 10 मिनट का बस ऐसे डांस भी कर ले, तो उससे आपकी फिटनेस भी सही, हेल्थ फिटनेस पे भी फर्क पड़ेगा, आपके मूड पे भी फर्क पड़ेगा, एंड आप अपने आप में ही एक अलग सा चेंज महसूस करने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से तो भले डांस हो या फिर आप जो भी हॉबी परसीव करते हो, हर इंसान की लाइफ में एक अलग अलग हॉबी रहती है, तो वो करना चाहिए, उससे आपकी पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस रहती है। मित्रों, ये प्रश्न का औचित्य मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे घरों में, समाज में अक्सर पालकों की एक ही चिंता होती है कि उनके बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई में अव्वल नंबर लाना चाहिए, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आपको अपनी मेंटल या साइकोलॉजी हेल्थ के साथ में अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर लॉकडाउन पीरियड में जब हमारे पास बाहर जाने में प्रतिबंध था, तो करीब करीब सभी लोग घर में थे, तो फिजिकल एक्सरसाइज को हो नहीं पा रही थी, साथ ही घर का जब भोजन मिल रहा था और बैठे बैठे खाने के कारण से तो वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे।
ऐसे समय में अगर आप अपनी कोई हॉबी बनाते हैं, खासकर डांस को बनाते हैं, तो ये बहुत ही सहज सरल बिना खर्चे की एक हॉबी होती है कि जहाँ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, साथ ही साथ आपका जो तनाव है जो बाहर से दिख रहा हो चाहे अंदर का हो वह भी कम होगा। परिमल जी, मैंने आपकी तारीफ तो किया लेकिन जितने आप मेधावी हैं, होशियार हैं, तो साथ में कोई ना कोई तनाव या बाकी की समस्याएं आती हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि बजाय हम किताबों पर पढ़े कि हमारी समस्या युवाओं की कौन सी है, नेट पर सर्च करें, उसके बजाय हम आपके मुँह से लाइव सुनना चाहती कि आप इस एज में क्या समस्या अनुभव कर रहे हैं। जी सर, समस्या के बारे में कुछ कहे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हम कौन सी चीज़ में समस्या मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि बारिश आती है, बारिश किसान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि अगर कोई ट्रैवलिंग वाला पर्सन है तो उसके लिए समस्या है। इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर मेरे ओपिनियन में मेरे प्रॉब्लम्स बताए जाए तो जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, या फिर कोई अगर हमें कुछ कह देता है, डांट देता है, तो एक डिप्रेशन आता है हमें कि हमेशा हमें क्यों टोका जा रहा है, हम मतलब हमसे ऐसा कुछ खास है कि इन लोगों को, ऐसा अलग फीलिंग आती है। तो फिर एक थोड़ा सा काम मूड होने लगता है कि अभी ये करने का मूड है, ये करने का मूड नहीं है। तो फिर ऐसे में पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब होता है, फिर नींद बहुत आती है ऐसे टाइम में, मतलब पढ़ाई करते करते नींद आ गई तो सोते सोते कहाँ टाइम निकल जाता है, दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में फिर अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़पन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा और साथ में आपको आश्वस्त करूंगा, हमारे दर्शकों को आश्वस्त करूंगा कि ये कोई समस्या नहीं है बल्कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं कि जहाँ पर बच्चा भी युवावस्था की तरफ प्रवेश कर रहा है तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ स्वातंत्र्य की उम्मीद करता है, साथ में आइडेंटिटी क्राइसिस होते अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी समय में कुछ लड़के रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, जैसे स्टंट हो गए या ऐसी चीज़ें वो भी करते हैं, तो सब एज रिलेटेड चेंजेस हैं। तो परिमल जी, मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि किस तरह की समस्याएँ नहीं हैं, ये बिल्कुल एज रिलेटेड चीज़ें हैं। और जहाँ आपने नींद का कहा, तो नींद एक बॉडी की आवश्यकता है, आपका जितना श्रम हो तो बॉडी को उतनी विश्राम की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, आप भरपूर नींद लीजिए। अगर आपको ज़्यादा नींद आई तो इसका मतलब है कि आपने काम बहुत किया है, चाहे वो शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो। पंखुड़ी जी, आपके चूंकि अभी शिक्षा पूरी हो गई है और अभी आप वर्किंग हैं, तो आप कौन सी समस्या अनुभव करती हैं? जैसे परिमल जी ने बताया, मैंने भी मेरे टाइम पे सेम सब सिनारियो से मैं गई भी हूँ, और आज भी ऐसे बहुत बार होता है कि कोई कुछ बोल देता है तो चिड़चिड़ाहट होती है। ऐसे नहीं कि आज मैं मेरे 25 की एज में हूँ, 25 to 30 के ब्रैकेट में हूँ अभी मैं, तो मैं महसूस नहीं करती हूँ। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, अभी एक रूटीन सेटअप करना बहुत इशू हो गया है कि आप कैसे आपकी लाइफ को मोनोटोनस होने से बचा रहे हैं, कि आप बस वही कि सुबह उठना है, थोड़ा घर का काम कर लो, फिर ऑफिस, फिर सो जाओ, फिर रहता है वो तो सेटअप करना ही है, बट उसको मोनोटोनस होने से बचाना है। थोड़ा अगर एडवेंचरस कुछ ना कुछ काम करते रहे अपन, जैसे बीच में डांसिंग हो गया या फिर कुछ और चीज करते रहे, तो उस वजह से आपका रूटीन मोनोटोनस नहीं होगा। तो रूटीन को मोनोटोनस ना बनाना, ये एक चैलेंज है अभी मेरे लिए। दूसरा मैं बताऊंगी, जैसे मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने ही रहती हूँ, तो इसके वजह से मेरे हेल्थ पे बहुत अफेक्ट आ रहे हैं। तो मैं मेरी प्रॉपर डाइट कैसे मेंटेन करूँ, मैं मेरी हेल्थ कैसे मेंटेन करूँ, साथ में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करूँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी, मतलब मैंने हर मेरे एज का आई गेस इंसान फेस कर रहा होगा कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी। तीसरी मैं बोल सकती हूँ कि अब आपको एक सेंस ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैमिली की तरफ आपको बताना पड़ता है, आपकी सोसाइटी की तरफ बताना पड़ता है, बिकॉज आप जैसे जैसे बढ़ते हो या फिर आप जैसे जैसे काम में व्यस्त होते जाते हो, आपको अपनी रिलेशंस मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है. तो आप आपके फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप कैसे अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, आप उन्हें कितना टाइम दे रहे हो अपने अलावा, वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है अभी डे बाय डे, मैं ये चीजें मानती हूँ. तो अगर आप इसको पर्सनल नहीं माने तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप कैसे मेंटेन करती हैं? मैं पहली चीज, मैं अगर हेल्थ पे जैसे मैंने अभी पॉइंट रेस की हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक अभी मेरा शेड्यूल मेंटेन करना स्टार्ट की हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 7 बजे उठना है, फिर उठने के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर मैं थोड़ा फैमिली की तरफ, मैं अपने नेफ्यू के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, फिर भैया भाभी मम्मी पापा इनके साथ थोड़ी देर बातचीत करती हूँ, घर के हमने काम डिवाइड कर लिए हैं तो मेरे फैमिली को भी लगता है हाँ ये ऑफिस का भी काम कर रही है साथ में थोड़ा घर का भी काम कर रही है. तो मैंने ऐसे सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल टाइप ऐसे बनाया है कि मैं हर जगह अपना अपना काम थोड़ा करना, जो सैटरडे संडेज आते हैं जब ऑफिस का काम नहीं रहता है, मैं मेक श्योर करती हूँ, जैसे कोरोना के वजह से मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से, कलीग्स लोगों से मिलने पाती हूँ, तो भले अगर फ़ोन पे बात ना हो तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप करके हालचाल पूछ लिए जाए, फेस्टिवल्स आते हैं तो उनको विश कर लिए जाए. तो मैं इस तरह से ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी अटैच्ड रहूँ मेरे सोसाइटी के साथ. मित्रों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पंकुड़ जी दे रही हैं कि अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे आप अपॉर्चुनिटी समझिए. परिमल जी ने कहा कि हम लोग चाहे सोशल मीडिया से एक दूसरे कांटेक्ट में, लेकिन जो मज़ा हमें फिजिकली मिलने में आती थी वो उतना मज़ा इस तरह से नहीं आता है. पंकुड़ जी हमसे कह रहे हैं कि अगर हम अगर इस तरह से कनेक्टेड नहीं हो तो एक सेडेंटरी लाइफ, अकेलापन, जिसके अपने कई दुष्परिणाम, उसका शायद हमें सामना करना पड़े. और ये दुष्परिणाम सिर्फ फिजिकली नहीं है, मेंटली नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल भी है. और ये शॉर्ट टर्म नहीं, इसके लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम है. तो ये जहाँ खुद बड़ी ईमानदारी से कबूल कर रही हैं कि ऐसी समस्याओं का सामना न केवल पंखुड़ी जी बल्कि इनके जैसे अनेकों लड़के लड़कियाँ जो इस पेशे में, इस सर्विस में संलग्न है, उन सबको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. और इसीलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह भी दी है कि अगर आप इनको सोच के अपने दिनचर्या, एक दिनचर्या का रेगुलर टाइम टेबल बनाएं, तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं. यहाँ पर आप हर व्यक्ति को समय दे सकते हैं और साथ ही साथ खुद को भी समय दे सकते हैं. परिमल जी, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, तो इस समय, इस युवा दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दूँ, बट बस मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा अपने दोस्तों के साथ. कि जैसे कि हमें पता है कि रात के बाद दिन आना ही है, दिन के बाद रात आनी है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आना ही है. तो जैसे कि ये जो कोरोना का पीरियड चालू है, ये जो महामारी हो रही है, तो ये टाइम ज़रूरी, मतलब कंपल्सरीली पास ऑन होने ही वाला है, इसके बाद अच्छा वक्त आने ही वाला है. इसलिए इस टाइम में खुद को स्ट्रेस्ड आउट करके या फिर टेंशन लेके नहीं बिताना है. हमेशा खुद हेल्दी रहना है, दूसरों को हेल्दी रखने के बारे में सोचना है. एक बहुत ही एक अच्छी लाइन याद आ रही है मुझे कि दुनिया की सारी दौलत मिला के भी हम एक पल नहीं खरीद सकते, तो फिर जो इतना हमें टाइम मिल रहा है घर पे, इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए. और फिर सारे एज ग्रुप वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं. हमारी पावर, हमारी नॉलेज अगर हम सही चीज में लगाए तो हम बहुत अच्छा आउटकम ला सकते हैं. तो फिर हमेशा खुद का बेस्ट दीजिए, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर खुद को ये करके कि मैं इसका सलूशन कैसे निकालूँ, क्या करूँ, इसके बजाय अपने जो वेल विशर्स है, पेरेंट्स है, गार्डियंस है, उनके साथ शेयर करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. बस इतना ही कहना चाहूँगा. निश्चित तौर से इसमें दो चीजें, पॉजिटिवली सकारात्मक थी आपने बात की है, तो पंकज जी ने भी कहा कि ये इन्फेक्शस होती है आपसे दूसरों तक पहुंचेगी. तो अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक हैं तो निश्चित तौर से आसपास का वातावरण, आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे. और एक जिस बात का आपने जिक्र किया था कि भाई जिससे कोरोना चल रहा था, एक हमारे अंदर में एक इनसिक्योरिटी है, एक आशंका है कि भाई हमें तो नहीं हो जाएगा या हम इससे पीड़ित तो नहीं होंगे. तो हर अंधेरे के बाद में उजाला, हर रात के बाद में दिन.
और मित्रों जैसा विमल जी ने कहा कि हम न केवल इस समाज के एक परिवार के घटक है बल्कि ईंट से ईंट मिलकर जहाँ घर बनता है तो उसी तरह से एक युवा से दूसरा युवा मिलकर एक पूरा विश्व बनता है। और इस साल की जो थीम है इंटरनेशनल यूथ डे की वो है भी ऐसे कि यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, कि अगर आप युवाओं को इन्वॉल्व करते हैं तो ये पूरे विश्व को हिलाने की ताकत रखते हैं। पंखुड़ी जी, प्रश्न आपसे भी है कि इस समय में आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी जैसे एक सिक्के के दो साइड्स रहते हैं, वैसे हर सिचुएशन का अगर पॉजिटिविटी भी रहेगी वहाँ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट भी रहेगा। तो मैं अपने जो भी व्यूअर्स रहेंगे उनको ये बताना चाहूंगी कि ये सिचुएशन को आप एक पॉजिटिव सिचुएशन के रूप में लीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ऐसा वक्त वापस आएगा जब उनके पास इतना टाइम रहेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ व्यतीत कर सके, अपने मतलब अपने ऊपर मतलब सेल्फ खुद के लिए आप इतना टाइम निकाल सके। तो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपके पास अभी इतना टाइम है, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से समय व्यतीत करें, पता नहीं कल ये समय वापस आए ना आए। दूसरा ये आप स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, हर इंसान कोई भी पेशे में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, सीए, स्टूडेंट्स, सब कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स अपग्रेड कीजिए। अभी आपके पास वक्त बहुत है तो आप आपकी कुछ भी क्षमता हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन उसके ट्यूटोरियल्स देखिए, आप कुछ ना कुछ नया कीजिए। कि अगर आपको पूछा जाए कि पिछले 6 महीने में आपने घर पे रह के क्या किया, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट खुद के लिए और अपने सोसाइटी के लिए किया है। तो स्किल्स अपग्रेड कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों का ये कहना रहता है अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है हेल्थ फिटनेस के लिए, मैं इतना बिजी रहता हूँ मेरे काम में, मेरे पास टाइम। तो आपके पास अभी टाइम है, 24 घंटे में से 1 घंटा तो अभी आप निकाल ही सकते होगे। तो मैं चाहती हूँ कि सब जने अपने हेल्थ पे, क्योंकि जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होंगी उतना आप ये वायरस को फेस कर पाएंगे। अभी जैसे अपने गवर्नमेंट ने कुछ सोसाइटी चेंजेस अपने पे इम्पोज की है, जैसे शादी अब 20 लोगों में भी हो रही है, पहले 2000 लोगों में भी होती थी, अब 20 लोगों में भी होती है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर यही ट्रेंड को अपन कंटिन्यू करें कि आगे आने वाले समय भी आप बस आपके क्लोज रिलेटिव्स को इन्वाइट करके भी आप शादी करेंगे तो आपका इतना रिसोर्स बचेगा जो आप बहुत अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ को नेगेटिव ना लेके एक पॉजिटिव वे में लीजिए और कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए। निश्चित तौर से जिस तरह से आपने कहा तो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जिस चीज़ को अगर हम देखें तो सिक्के की दो बाजू हैं, अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते तो पॉजिटिव मिलेगा और अगर नेगेटिव चश्मा लगाएं तो हर चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे अकेलेपन से निजात मिल गई जब से मैंने अपने आप से दोस्ती कर ली है। तो अगर आप अपने से दोस्ती करते हैं, अपने लिए समय व्यतीत करते हैं, तो न तो आपको कभी अकेलापन लगेगा और आपकी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ शायद ज़्यादा इम्प्रूव होगी। चूँकि समय की कमी है और बहुत रोचक बातचीत बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बातें बहुत करनी थी लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए अब आपसे विदा का समय हो गया। परिमल जी दानखड़े और पंखुड़ी जी अग्रवाल, आपने इतने रोचक ढंग से जो हमसे बातचीत की और दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम आपसे आपके हृदय से आभारी है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।